उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुर्जनपुर गांव में हुए गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां 3 दिन से फरार धीरेंद्र सिंह को लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क से पकड़ा गया। दरअसल इस मामले के बाद से ही पुलिस को लगातार उसकी तलाश थी और धीरेंद्र सिंह पर यूपी पुलिस ने 75,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। इस मामले में अब तक 8 नामजद और करीब 25 अज्ञात आरोपियों में सिर्फ 9 की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं हत्याकांड में नामजद अभियुक्त संतोष यादव व अमरजीत यादव को शहर कोतवाली पुलिस ने रविवार सुबह नगर के वैशाली होटल के पास से गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 6 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार को पुलिस ने धीरेंद्र के भाई नरेंद्र सिंह देवेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया था। वहीं शनिवार को पुलिस ने इस मामले में हनुमानगंज निवासी मुन्ना यादव, राज प्रताप यादव और दुर्जनपुर के राजन तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद दुबे ने बताया कि आरोपियों पर एनएसए, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई होगी और इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में धीरेंद्र प्रताप सिंह की गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है।